प्यार अंधा होता है ये हमने आज तक सुना है लेकिन कभी देखा नहीं। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये सब कुछ चीजें जो कि मैंने बोली है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले उल्लेख की नेक्स्ट वेबसाइट जिसका नाम है पिंजरा रीति रिवाज। भाई किसी चीज को अगर पिंजरे में कैद करते रखते हो, अगर उसको एकदम से बाहर निकालते हो ना, तो वो इतना एक्टिव होता है, इतना एक्साइटेड होता है, मतलब भाई उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है ये तो आपको भी नहीं पता। तो भाई काफी इंटरेस्टिंग पूरी सीरीज रहने वाली, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना क्योंकि इस वीडियो में सीरीज के सब सीन साथ में सीरीज के सब कुछ डिटेल आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले अगर स्टोरी लाइन की बात करें तो मतलब यार इसमें दिखाया जाता है कोई जो है हस्बैंड वाइफ होते हैं, मतलब उनकी मैरिड होने वाली होती है। अगर हम उसकी दुल्हन की बात करें तो उसकी कुंडली में कुछ दोष जो है पंडित के द्वारा दिखाए जाते हैं और वो बोलता है कि फाइनली जब तक आपकी ये दोष कंप्लीट नहीं हो, क्लियर नहीं हो, तब तक आप मैरिड नहीं कर सकते। अब भाई अब क्या निवारण है, क्या मतलब क्या ऐसा क्या करें जिसके कारण इसके दोष टल जाए या फिर ये सब कुछ चीजें क्लियर हो जाए। अब वो ये सब कुछ चीजें बोलता है क्योंकि हस्बैंड होते हैं उसके दूल्हे की सिस्टर के साथ उसकी मैरिड करी जाए या फिर उसको वरमाला पहनाया जाए। तो मतलब वही सेम प्रोसेस जो कि एक मेल टू फीमेल जो है मैरिड में होती है, तो यहाँ पे देखने को मिलता है हमको फीमेल टू फीमेल मैरिड। मतलब भाई हमने अपने लाइफ में बिल्कुल भी नहीं सोचा, बिल्कुल भी नहीं देखा कि मेल टू मेल एंड फीमेल टू फीमेल मैरिड भी होती है। वो तो हमको यार ये ट्रेलर देखा तभी पता चला। अगर हम दूल्हे की सिस्टर की बात करें तो वो मतलब यार उसकी शादी तो उसके साथ होती है लेकिन भाई वो बंदी मतलब बॉयज में कम गर्ल्स में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट लेती है। यहाँ पे अगर हम बताएं तो मतलब यार उसमें लेस्बियन टाइप के गुण काफी ज्यादा पाए जाते हैं। मतलब बंदी गर्ल्स टू गर्ल्स रिलेशनशिप क्रिएट करने में काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है, काफी ज्यादा एक्टिव होती है। मतलब उसमें उसको बॉयज से कुछ भी लेना देना नहीं, उसको ओनली फॉर गर्ल्स चाहिए। तो मतलब इनकी फाइनली मैरिड हो जाती है। मैरिड होने के बाद ही वही सेम प्रोसेस, मतलब यहाँ पे गर्ल्स टू गर्ल्स फर्स्ट नाइट। भाई मैंने आज तक अपनी लाइफ में कोई भी ऐसी सीरीज नहीं देखी जिसमें कि गर्ल्स टू गर्ल्स फीमेल एंड फीमेल दोनों की फर्स्ट नाइट क्रिएट होती है, वो भी इतने एक्साइटेड, इतने हाई लेवल, इतने ओवर सीन के साथ। तो मतलब शुरू से एंड तक अगर हम इसकी बात करें तो वो मतलब यही सब कुछ चीजें देखने को मिलेंगे। दोनों गर्ल्स के रिलेशनशिप को लेके काफी ज्यादा क्रिएट की गई है। मतलब अब वो यह सब कुछ चीज यार जब इनका रिलेशनशिप चलता है तो वो एक अगर हम बात करें तो दूल्हे की सिस्टर वो वीडियो क्लिप जो है रिकॉर्ड कर लेती है। अब वो उसको एक तरफ ब्लैकमेल करती है, अब वो जब उसकी मर्जी हो तब वो वीडियो क्लिप दिखा के उसको ब्लैकमेल करती है और उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप क्रिएट करती है। तो यार ये सब कुछ होने के बाद में उनकी मैरिड हो जाती है। मैरिड होने के बाद में यही सब कुछ चीजें आपको इस सीरीज में देखने को मिलेगी। मतलब एक तरह से हम बोले तो 26 जनवरी को ये रिलीज हो रही है उल्लू पे, मतलब आपको तो 26 जनवरी का गिफ्ट मिल चुका है। तो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस सीरीज को अपनी फैमिली के साथ तो बिल्कुल भी शेयर मत करना क्योंकि शुरू से लेकर एंड तक इसमें आपको इतने हॉर सीन, इतने बोर सीन देखने को मिलेगी जो कि आज तक किसी भी सीरीज में हमको नहीं देखने को मिला। तो यार उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में इस सीरीज के बारे में सब कुछ जानकारी मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर चुका हूँ। वीडियो यार अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अपने छोटे भाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि आने वाली मेरी कोई भी वीडियो आप मिस नहीं करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड, बाय बाय। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।